दोस्तों अभी मैं एक शंकर भगवान के मंदिर के पास हूँ और इस मंदिर का आप लोगों को नजारा दिखाऊंगा। ये जो है महादेव सिमरिया में स्थित है। इस मंदिर का नाम श्री बाबा धनेश्वर नाथ है और इस मंदिर का अंदर का नजारा दिखाऊंगा क्योंकि ये जो है काफी पुराना मंदिर है। तो इस मंदिर में मैं सुबह के टाइम आया हूँ और ये ठंड का महीना है, 4 जनवरी का महीना है। ये वीडियो हालांकि मैं लेट से अपने चैनल पे डालूंगा लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से नजारा दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ का कुछ ऐसा नजारा है और इधर जो है ध्वजा भी गड़ा हुआ है और आप लोगों को सारा नजारा दिखाता हूँ यहाँ का। ठंड काफी है और मंदिर में जो है यहाँ पे अभी ज्यादा कोई लोग नहीं है, मंदिर पूरा खाली है। और अभी हम लोग जो है आए हैं तो मंदिर में घूम रहे हैं। यहाँ पे देखो मंदिर में कुआं भी है तो अभी इस कुआं में अभी देखते हैं कितना कुआं गड्ढा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हाँ देखो ज्यादा गड्ढा नहीं है। फोन गिर जाएगा इसलिए छोड़ो। कुआं देख लिए, कुआं ज्यादा गड्ढा नहीं है, पानी है इस कुआं में। और इस मंदिर का देख सकते गेट जो है कितना छोटा छोटा यहाँ पे गेट है जो की देखो कितने झुक के पुजारी जो है जो की अंदर जा रहे हैं सफाई सुथरा करने के लिए। तो काफी ये नीचा इसका जो है क्योंकि ये काफी पुराना मंदिर ऐसा प्रतीत होता है इसे कि ये काफी पुराना मंदिर है जिसके कारण इसका गेट जो है का इतना डाउन है कि इसमें पूरा झुक के जाना पड़ता है अंदर। यानी एक बंदा अगर इसके अंदर एंट्री किया है तो फिर दूसरा बंदा एंट्री नहीं कर सकता है। और ये जितना भी मंदिर है इसमें जो है सारा सभी जो है काफी नीचे नीचे बना हुआ है। इसीलिए मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट में कि मैं जो है काफी पुराना मंदिर का नजारा आप लोगों को दिखाने वाला था। तो जितना भी यहाँ पे गेट दिख रहा है सभी का जो है मात्र 2 फीट 2.5 फीट के आसपास सभी का गेट है। और ये मंदिर के साइड का नजारा देख सकते हो, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इधर यहाँ पे बना हुआ है। तो देख सकते जो काफी अच्छा ये मंदिर जो है काफी पुराना मंदिर है और इस मंदिर में जो है इस जिले का जो है पूरा सभी लोग पूजा करने के लिए आते हैं।